इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। से गिरावट में आ गए हम, हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयाँ ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे, उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज़ है, इसके कहते हैं कड़वा मदरा पी हुआ, कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी, इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। एक कहते हैं सुरापान मदमाशा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, 1 चलम हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमाशा हारी और जो गमन करें भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। और फिर क्या बताया है कि सुरापान मदमाशा हारी, परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे, कितना घोर पाप। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, 1 बार सुरापान करने का कितना पाप है, मदरा पी हुए कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मेरे इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पी हुआ कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बनकर गंदी नाली के जल को पिया करेगा, ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पी हुआ कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोल, 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, 1 बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और 1 चलम हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बीड़ा है ही, 1 हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा, क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं वो। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, 1 चलम हुक्का भर दे और डूबे काली धार। तो हमारे बच्चे फिर इस, जैसे आपने गीता के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, दोष भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं और उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को
जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि